जीवन में कहीं ना कहीं घातक हो रही है। अभी मैं कुछ दिन पहले गुजरात में किसानों को लेके गया था, साबरमती नदी के किनारे गांव था, 400 की जनसंख्या में 100 को कैंसर था। 400 की जनसंख्या में यदि 100 को कैंसर हो रहा है तो बहुत बड़ी विडंबना है। हमारी जमीन में 2 करोड़ बेनिफिशियल जीवाणु होते हैं, आज की तारीख में ओनली पर 5 लाख जीवाणु बचे हैं, मात्र 5 लाख। ये बड़ा विचित्र समय आने वाला है। यदि ये 2 लाख से कम चले गए तो हमारी जमीन जो है ना, ये जीवित है, ये जीवित नहीं बचेगी, ये बंजर होएगी और बंजर होने के बाद कुछ दिन बाद समाप्त तो हो जाएगी। आप ऐसा करके ठोकर मारोगे ना तो मिट्टी ऊपर नहीं आएगी, पत्थर के समान आपका अंगूठा टूट जाएगा। तो अभी मेरे से पहले मेरे साथी शोभाराम ठाकुर बता रहे थे कि इनको भी हमारे डिपार्टमेंट से मैंने राज्य के बाहर, राज्य के अंदर कई जगह ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा था, तो ये भी बाहर से सीख के आए। तो हमारे पहले जो किसान थे, सन लगाते सन, और उसी सन से खटिया बनाते थे, उसी सन से रस्सियां बनाते थे, और उसी रस्सी का हल जोतना, बकर जोतना या घरेलू काम के लिए उस रस्सी का इस्तेमाल करते थे। आज की तारीख में सन की खेती खत्म हो गई है। सन एक हरी खाद के लिए मुख्य फसल है। एक दूसरी फसल होती है हरी खाद के लिए ढेचा, ये देखने को नहीं मिलती है। तो ये चीजों आने वाले भविष्य के लिए, हरी खाद, जैविक खाद, केचुआ खाद, कंपोस्ट, ये डालना ही पड़ेगा। यदि ये नहीं डालोगे तो आने वाला परिवेश, साबरमती नदी के किनारे वाला जो गांव है वो अपने कहीं ना कहीं अपने इधर के गांव में हो जाए। आज हर गांव में कम से कम 20 से 25 लोगों को बीपी और शुगर की समस्या हो गई। पहले लोगों को बीपी और शुगर नहीं होती थी, आज हर किसान बंधुओं में भी बीपी और शुगर की समस्या बनने लग गई। ये बीपी और शुगर यही है, चारा मार, इंसेक्टिसाइड, बढ़ती हुई पौधों की कटाई। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, कम से कम घर में नहीं फलदार पौधा लगा सके तो फूल वाला लगाए, और नहीं फूल वाला लगा पाए तो सजावटी लगाए, और नहीं सजावटी लगा पाए तो तुलसी का पौधा ही लगाए। पर पौधा जरूर लगाए, क्योंकि मैं राले गांव सिद्धि में गया था, अन्ना हजारे के गांव के पास में एक राले गांव सिद्धि है, वहां पे हर घर में मेरे को तुलसी का पौधा दिखा था। और यह पौधे को काटते जाते हैं, तो कम से कम पौधे सेव करो। यदि पौधे नहीं बचाओगे तो अपना जीवन नहीं बचेगा, क्योंकि बढ़ती हुई गर्मी को पौधा ही कंट्रोल कर सकता। अभी कोरोना देखी है आपने, कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। तो यदि ऑक्सीजन अपने को बढ़ाना है तो पौधे लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन घटाना है तो पौधे काटना पड़ेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन घटाओ मत, ऑक्सीजन को बढ़ाओ। इसके बाद में पौधे को टोटल, ये बच्चों के लिए साधारण जानकारी है, पौधे को 96 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। कभी आप सुना नहीं होगा कि यूरिया, फास्फोरस और पोटास नहीं, पौधे को 96 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसमें से मुख्यतः 17 पोषक तत्व ऐसे होते हैं कि जो पौधे को जरूरी होते हैं। 17 में से 3 पोषक तत्व ऐसे होते हैं कि जो सब डालते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसके अलावा कोई कोई अभी सूक्ष्म पोषक तत्व डालने लगते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, सल्फर, निकिल, जिंक। तो ऐसे करके ये टोटल 17 पोषक तत्व रहते हैं, तो प्राइमरी ही डालते हैं। तो कम से कम ये जैविक डालो और सूक्ष्म पोषक तत्व भी डालो, और हर घर पौधे लगाओ। और मेरे डिपार्टमेंट से एक अच्छी योजना चल रही है, PMFMI, प्रधानमंत्री सूक्ष्म उन्नयन योजना। अभी हमारे क्षेत्र के साथी
या किसान बंधु या जनता प्लाइन बहुत होती है। तो यदि अपने यहाँ पे छोटे छोटे रोजगार भी अपन डाल सके तो प्लाइन को रोक सकते हैं। यहाँ पे झापड़ी पाटला का ये जो चौक है, यहाँ पे यदि कोई बेकरी डाल दे, दूध डेयरी डाल दे, चाय की दुकान डाल दे, पापड़ उद्योग डाल दे, चिप्स डाल दे, इन सभी फूड प्रोसेसिंग योजनाओं पे 35% का अनुदान है, 35% का, 10% मार्जिन मनी लगेगी और 55% जो शेष राशि बचेगी आपको किस्त के रूप में भरना है, ये नगद नहीं भरना है। कोई भी किसान बंधु इस योजना का लाभ ले सकता है, हमारे डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकता है। मैं नर्सरी में ही बैठता हूँ अक्सर, या ऑफिस में बैठता हूँ पुराने आके बैरियर पे, या मेरे नंबर से कभी मेरे को संपर्क कर सकते हैं। और बाकी किसी भी किसान बंधु को पौधे लगाना है, ड्रिप लेना है, स्प्रिंकलर लेना है, मिनी स्प्रिंकलर लेना है, छोटे पावर टिलर लेना है, ट्रैक्टर लेना है, तो उसके लिए ऑनलाइन पंजीयन करना पड़ेगा। उसके लिए मुख्य दस्तावेज आधार कार्ड है, बैंक पासबुक B1, एक छोटी फोटो, और जो आपके आधार से कनेक्टेड है वो मोबाइल नंबर, इससे ऑनलाइन पंजीयन हो जाएगा और पंजीयन होने के बाद ही योजना का लाभ मिल पाएगा, बिना पंजीयन से योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, किसी को कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। धन्यवाद। दावा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन्हें आमंत्रित किया था कि वो अपनी योजनाओं की जानकारी दें, लेकिन उन्होंने हमें आने वाले खतरों से भी आगाह करके चले गए, और मैं समझता हूँ इतनी बेहतर और इतनी अच्छी जानकारी डावर जी ने दी है, अगर हम इससे आत्मसात करें। उन्होंने तो सिर्फ यहाँ बोला कि कहीं नहीं लगा सकते, एक तुलसी का पौधा ही लगा ले। तो मैं इस मंच के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि डावर जी ने जो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये बताया, और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको आने वाली भयावह स्थिति के बारे में अवगत कराया, बिल्कुल आने वाला समय हम लोगों के लिए कठिनाई वाला होगा, और जो बीमारियां हम समझ रहे हैं किसी कारणवश हो रही है उसके बारे में बताया कि जो है बीमारियां हम लोगों के बीच में कैसे आ रहे हैं, उनका एक बहुत ही शानदार चीज उन्होंने ये बताई कि हमारे किसानों को पहले BP शुगर ये नहीं हुआ करते, उसके पीछे भी ये कारण था कि हमारे जो पुराने किसान थे आज से 50 साल पहले, वो किसानों ने कभी यूरिया खाद, रासायनिक खाद, रासायनिक दवाइयों का कभी उपयोग नहीं किया, साथ में ही अपने घर में दूध का उनके यहाँ भंडार होता था, दूध घी की कभी कोई कमी नहीं रही, हमेशा शुद्ध खाना खाया और शुद्ध खाना उन्होंने अपने खेतों में ही उपजाया। तो आप लोगों से अनुरोध है, इतनी अच्छी जानकारी आपको दी है तो आप अक्षरता नाम तो उनकी लास्ट बात का ये है, अगर आप उसपे संकल्प ले लेके तुलसी का पौधा लगा ले तो बड़े ही इस जो भारत विकसित यात्रा है उसका एक सफलता होगी, परिणाम उसके ये निकलेंगे कि कम से कम झापड़ी पाला में हमारे डावर जी ने एक आह्वान किया था कि तुलसी का पौधा लगा। तो मैं कितनी दीदियां हैं वो हाथ ऊंचा करे कि कल ही वो अपना तुलसी का पौधा लगाएगी। तुलसी का पौधा कितने लोग लगाएंगे? आपको अगर चाहिए तो हॉर्टिकल्चर में मिल जाएगा तुलसी का पौधा, है ना? अरे बाकी और दीदियों को भी लगाना है, दीदी सभी को लगाना है, आपके यहाँ जरूर होगा। तो मैं हमारे बीच में मैं जब इस गांव में आया तो NSS का एक बोर्ड पहले मुझे दिखा,